अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इनामलेस बिहेवियर ऑफ वाटर। इनामलेस बिहेवियर मीन वाटर जो है वो एक जो रूटीन का बिहेवियर है उससे हट के अपना जो है इंडिविजुअल बिहेवियर शो करता है। जिस तरह हम पिकुलर बिहेवियर पढ़ते हैं डिफरेंट्स जो ग्रुप के टॉप मेंबर होते हैं उनका, इसी तरह वाटर का जो है अपना एक एबनॉर्मल बिहेवियर है जो बाकी सब्सटेंस से इसे जो है वो मुनफरिद बनाता है, डिफरेंट बनाता है। ऑन हीटिंग अगर जनरल हम बात करें तो सब्सटेंस एक्सपेंड, हीटिंग पे क्या होता है सब्सटेंस जो है एक्सपेंड करते हैं। ऑन कूलिंग सब्सटेंस क्या करते हैं जी, कंट्रैक्ट होते हैं, कंट्रैक्शन होती है उनमें, मॉलिक्यूल जो हैं एटम जो है वो पास पास आते हैं। और हीटिंग पे क्या होता है, अगर वो पहले पास हैं तो वो दूर हो जाते हैं। बट वाटर में जो है इसके ऑपोजिट होता है, और जो ऑपोजिट होता है वो क्या है, ऑपोजिट बिहेवियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड इनामलस बिहेवियर इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेंसिटी इनामली। यानी कि डेंसिटी क्या जो है, ये डेंसिटी की वजह से ही सारा जो है वाटर इनामलस बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो अब हम इसे देखते हैं कि ऐसा क्यों करता है। अगर हम 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे हीटिंग करें तो होना क्या चाहिए कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो उसको जो है वो वाटर को जो है वो जो अगर वाटर को भी है जनरल हम देखें तो उसको एक्सपेंड करना चाहिए। लेकिन वाटर क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट कर रहा है, ऑपोजिट बिहेव। इसी वजह से मैंने ऑपोजिट लिखा है ताकि, लेकिन ऑपोजिट आपने लिखना नहीं है, मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझ आ सके। पहले ऊपर जनरल लिखा है, नीचे वाटर का लिखा है ताकि आपको समझ आ सके। ऑपोजिट आपने नहीं लिखना, इसका इनामुलस ही लिखना है, इनामुलस बिहेवियर। ये नहीं आप लिखेंगे कि ऑपोजिट बिहेवियर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये कि ऑपोजिट क्या है। एक एक चीज़ रूटीन में है, उसके जो ऑपोजिट चीज़ है वो वाटर का बिहेवियर है। अब वो क्या है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस हीटिंग की है तो वाटर क्या कर रहा है, कंट्रैक्ट, इवन के इसे एक्सपेंड करना चाहिए था, ये उसका ऑपोजिट बिहेवियर होगा। सेम हेयर, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस हमने क्या किया है, कूलिंग की है। तो जब कूलिंग की है तो कूलिंग पे से क्या होना चाहिए था, कंट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन ये एक्सपेंड कर रहा है। क्यों एक्सपेंड कर रहा है, इसकी रीज़न ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। जब आइस बनती है तो आइस में जो है वो वाटर जो के मॉलिक्यूल जो हैं वो अपने आप को हेक्सागोनल पैकिंग में जो है वो अरेंज कर लेते हैं। अब हेक्सागोनल पैकिंग में होता क्या है कि जो वॉल्यूम होता है बेसिकली वो इंक्रीज कर जाता है। कितना इंक्रीज कर जाता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कितना इंक्रीज कर जाता है वॉल्यूम, 9% वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। यानी कि ओरिजिनल वॉल्यूम का, अगर ओरिजिनल वॉल्यूम ए है तो उसका जो वाटर का वॉल्यूम अगर ए है तो आइस का वॉल्यूम क्या क्या होगा, 9A। यानी कि 9% उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा जितनी भी इनिशियल वॉल्यूम होगा। अब देखें, जब डेंसिटी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम का समझना, क्योंकि डेंसिटी जब वॉल्यूम जब इंक्रीज होगा तो डेंसिटी और वॉल्यूम का जो है वो इनवर्स रिलेशन है। तो इट्स मीन ये वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये डेंसिटी डिक्रीज होती है इसी वजह से जो आइस है वो क्या होती है, लेस डेंस होती है। और यही वजह है कि वो जो है वो वाटर के ऊपर जो है वो फ्लोट करना या तैरना शुरू कर देती है। अब एग्जागोनल अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन की तरह का होता है। इस तरह एक ये है, फॉर एग्जाम्पल समझे ये है, इस तरह समझे ये आइस का स्ट्रक्चर है। तो इस तरह साथ जो है वो स्ट्रक्चर, वैसे ये बेंजीन का है बट हेक्सागोनल, क्योंकि बेंजीन का स्ट्रक्चर भी हेक्सागोनल ही है, तो इसको समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ। तो देखिए ये कितना गैप है इन बिटवीन। ठीक है, तो ये जो गैप होता है, गैप की वजह से क्या हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जब डेंसिटी डिक्रीज होगी, आइस लेस डेंस देन वाटर हो जाएगी, वो ऊपर तैरना शुरू कर देगी। और इसी वजह से हमारी जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो नीचे सर्वाइव कर रही होती है। यानी कि जो नीचे टेम्परेचर होता है विंटर डेज में, वो समुंदर में अगर बर्फ़ ऊपर जमी हुई है तो वो एज इंसुलेटर के तौर पर एक्ट करती है, और नीचे का टेम्परेचर जो है वो ही रहता है जो आम डेज में होता है। इस वजह से एक्वेटिक लाइफ जो है वो सर्वाइव करती रहती है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी ये जो न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है, और ये जो है ये दो चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है कि हीटिंग की है, कंट्रैक्ट की है, एक्सपेंड की है, और ये न्यूमेरिक वैल्यू ये लाजमी लिखनी है, और डेंसिटी का रिलेशन भी लाजमी लिखना है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।